Learn the art of investing on MoneyWise. The MoneyWise podcast में आपका स्वागत है और मैं हूं शीतल एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट टू मार्क इंडियाज 75th इंडिपेंडेंस डे. नाउ इन टुडेस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अनदर काइंड ऑफ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड व्हाट इट मींस फॉर पीपल इन स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल इंडिया. आज हमारी बात होगी एक ऐसे एक्सपर्ट से हु टेक्स इन्वेस्टमेंट नॉलेज टू पीपल इन स्मॉलर टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड दिस इज अ कस्टमर सेगमेंट दैट ही इज वेरी optimistic about. Hamare saath aaj hai Mr. Mahesh Gattani. He's a renowned investment expert and industry veteran from the town of Amravati in Maharashtra. He also runs a very successful company called Balaji Investments in Amravati. Mahesh ji has 27 years of experience in mutual fund distribution and he was one of the first in his industry to embrace technology. And his company was one of these early starters in mass SIP logins in a single day, which is now an industry norm. Mahesh ji and Balaji Investments have won several awards and much acclaim in the mutual fund industry. Mahesh ji, to MoneyWise podcast ke is Swatantrata Divas special par aapka swagat hai. और जैसे कि मैंने पहले कहा था, आज हम बात करेंगे वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में. और हमने सुना है कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बहुत ही प्रेरक यात्रा रही है. आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आज आप 500 परिवारों से लगभग 2000 निवेशकों या इन्वेस्टर्स के लिए निवेश का प्रबंध करते हैं. तो आपके लिए मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कैसे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की. सर्वप्रथम मैं इस अमृत महोत्सव आजादी के इस पर्व पर सभी निवेशकों को और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं. पिछले 27 वर्ष से मैं इस व्यवसाय में हूं. आज भी हम देखते हैं और सुनते हैं कि भारत में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को 75% निवेशक अभी भी अनलिटरेट है, यानी कि वो अपनी वित्तीय साक्षरता में अनपढ़ है, सीधी भाषा में कहेंगे. आज भी हमारे देश को 75वां साल हो रहा है आजाद हुए वे, फिर भी लोगों में इतनी अच्छे से समझ नहीं है कि हम हमारी वित्तीय साक्षरता के माध्यम से हम हमारे निवेश को कैसे बढ़ाए. ये डेट फंड है, ये इक्विटी फंड है, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये स्टॉक्स है, तो कंटिन्यू निवेशकों के हम कनेक्ट में रहे. हमने उनको हमेशा मार्केट में क्या चल रहा है ये अवगत कराया. मेरे निवेशकों में अधिकांश प्रतिशत निवेशक हमारे साथ सिंस इंसेप्शन से बना हुआ है. मैं खुद की मेरी SIP करता था, 1000 की थी 1994 में और फिर मैंने 5000 की. ऐसे मैं मेरे SIP के माध्यम से मैंने हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त की है. तो अगर मैं ऐसा, मुझे लगता है कि मैं इस एज में भी रिटायर हो जाऊं तो भी मुझे कोई हरकत नहीं है. भला आप क्यों रिटायर होंगे महेश जी, आपका तो बड़ा ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस है बालाजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में. बट ये बताइए हमें, लोग अक्सर छोटे शहरों के निवेशकों के बारे में सुनके बहुत ही एक्साइटेड और होपफुल हो जाते हैं, और जब आपने शुरू की थी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी SIP और ऐसे निवेश, तो हमें बताइए क्या आपके विचार में ग्रामीण भारतीय यानी कि रूरल इंडियंस निवेश करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. अमरावती एक छोटा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है लेकिन छोटा है, लेकिन बहुत ही मात्रा में लोगों में उत्साह होता है इस तरह के प्रोडक्ट में निवेश करने की. जैसा कि आपने कहा कि SIP में निवेश करने में रुचि रखते हैं क्या, जरूर जरूर रुचि रखते हैं. अभी तो अगर आप ये नंबर्स भी देखोगे, जिसको कहते हैं T30 यानी टॉप 30 सिटीज भारत की और B30 यानी बियॉन्ड 30 सिटीज भारत की, अगर आप आंकड़े देखे, B30 सिटीज से रुझान इतना बढ़ गया है इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का कि निवेशकों को भी एक बहुत अच्छा उत्साह लगता है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट में ही निवेश करें, ताकि हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति करें. घर में कोई भी बड़ा ओकेजन हो, रिटायरमेंट है, बच्चों की शादियां है, घूमने जाना है, इसी तरह के प्रोडक्ट से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं. एक कोविड आने के बाद जो टेक्नोलॉजी का और महत्व बढ़ा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठ के आप निवेश कर सकते हैं. एक छोटी सी छोटी अमाउंट 100 रुपीज 200 रुपीज की भी आप SIP डाल सकते हैं. कोई भी छोटा निवेशक एक बड़ी कंपनी का शेयर नहीं ले सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से उस अच्छे 50-100 कंपनियों में अपना पार्टिसिपेशन जरूर रखता है. और आने वाले समय में तो हमको लगता है
कि बड़े शहरों से तहसील प्लेस, विलेज और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेस से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के माध्यम से भारी मात्रा में रुझान बढ़ने वाला है। उनके लिए चुनौतियां ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर भारी मात्रा में शहरों में है, तहसील प्लेस में कम है, विलेज में बिल्कुल है नहीं। उनके लिए बहुत कठिनाइयां ये है कि वो समझ नहीं पाते कि म्यूचुअल फंड क्या प्रोडक्ट्स है। म्यूचुअल फंड सही है, एक बहुत शानदार अभियान एमपी ने चलाया कि जो भी लोग टीवी में अपने या कोई प्रोग्राम के ब्रेक में अगर वो एड देखता है तो उनको जरूर निश्चित इस एड के माध्यम से, हमारे समझाने के माध्यम से उसको जरूर इस चुनौतियों को वो कम कर सकता है। दिक्कत हो क्या रही है, भारत में आज भी लोग निवेश का रिटर्न्स देखकर आ रहे हैं, फंडों में रिटर्न्स देखकर आ रहे हैं। वो रिटर्न्स देखकर आने पर जब उसको रिटर्न्स नहीं उसके हिसाब से दिखती है शॉर्ट टर्म में, तो वो निराश होकर निकल जाता है। तो बहुत से निवेशकों को एज ए एमएफडी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। You're listening to MoneyWise, successful investment ideas that create wealth. Did you know? According to surveys, 40% of urban Indian women and 50% of urban Indian men between the ages of 26 and 45 are working towards their financial freedom. 82% of investors plan to increase investments in mutual funds, as compared to 66.8% in 2021. Personal finance simplified only on MoneyWise. सही कहा आपने, और शायद ये हैंड होल्डिंग हमारे पॉडकास्ट जैसे मीडियम से भी आ सकता है, पर खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एसआईपी किंग कहा जाता है, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे कि एसआईपी की क्या खासियत है, मतलब उनके बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वैसे तो और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से एसआईपी की क्या खासियत है। देखिए, एसआईपी किंग कहा जाता है मुझे नहीं पता कहा जाता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं एसआईपी के माध्यम से बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है अभी पिछले 3 सालों में, वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी अभी डेट फंड में एसआईपी शुरू कर दी है। हमने उनको समझाने में तो बहुत समय लगाया, लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि हम इधर उधर बैंक में पैसे रखने के बजाय यही पैसे हम डेट फंड में जाने दें, जिसकी हमको कितने दिन की लक्ष्य प्राप्ति करनी है उस तरह से लोग डेट फंड में भी अभी एसआईपी करने लगे, और साथ ही साथ उस अपने गोल को शॉर्ट टर्म 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी होगा उसको प्राप्ति कर रहे हैं। तो आने वाला समय सभी निवेशकों के लिए और भी अच्छा साबित होगा। मोदी जी ने कहा था 29 जुलाई को गिफ्ट सिटी का उन्होंने इनॉग्रेशन कहा कि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की 2014 में थी, और जो कि आज जून 2022 के आधार पर 35 लाख करोड़ की हो गई, और निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है। और बहुत सारे इस पर रेगुलेटर, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, वित्तीय संस्थाएं बहुत भारी मात्रा में निवेशक इस तरह के प्रोडक्ट्स में आए। आपने कुछ देर पहले टेक्नोलॉजी की बात की महेश जी, तो मैंने सोचा आपसे मैं पूछ लूं। ऑलमोस्ट 30 साल से आप इंडियन मार्केट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी ने भारत के निवेश को कैसे प्रभावित किया है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसी चीजें अब बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अगर मान लीजिए मैं फरवरी 2016 से 101% कमर्शियल ट्रांजेक्शन मैं मेरे निवेशकों के टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लेटफॉर्म से करता हूँ, भारत में कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, आज हमने कई झाड़ों को बचाया है। क्यों बचाया है कि हमको एवरेज में पहले कम से कम 40 से 50 पेज लगते थे, हमारी ऑफिस 6 दिन चलती है, 365 दिन में से हम 52 दिन कम कर ले तो कितने, 313 दिन मैं पिछले 7 सालों से टेक्नोलॉजी पे। अभी तो हमने नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी इस पे कर दिए है, ना आज हमको निवेशक के घर पे जाने की जरूरत है, ना निवेशक को हमारे आने की जरूरत है। निवेशक ने जो फंड कहा हमें ले लो, हम उस फंड को पंच करते हैं, लिंक उनको चली जाती है, निवेशक लिंक डन कर देता है। इतना आसान हो गया म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। हम अमेरिका के ही नहीं, पूरे दुनिया के भारत में अमरावती में कोई एक विलेज में बैठ के विदेशों के भी शेयर्स खरीद सकते हैं, फ्रैक्शन का भी शेयर खरीद सकते हैं।
म्यूचुअल फंड्स एक बुके है, उस बुके में एक बुके में इस तरह के अलग अलग तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी डेट फंड है, इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है, हेज फंड्स हैं, बहुत सारे हैं। निवेशक अपने गोल के अनुसार, अपने गोल के साथ साथ उनको कितने समय के लिए पैसा कहाँ डालना है, कितने समय में अपने गोल की प्राप्ति करनी है, इस तरह के सारे फंड इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। सारी चीजों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते हैं और आने वाले समय में ग्रामीण भारत में ही निवेश के और द्वार खुलने के साथ बहुत सारा रुझान बढ़ेगा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, इससे कि जो भी कोई ग्रामीण रूरल इंडियंस इस प्रश्न को सुनेंगे जो आपने सुना है, उसको भी पता चलेगा कि मैं घर बैठ के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्ति कर सकता हूँ। सही कहा आपने महेश जी, एंड टेक्नोलॉजी सर्टनली हैज गिवन अ बूस्ट टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम रूरल इंडिया। और उसके साथ महेश जी, लेट्स कम बैक टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वित्तीय स्वतंत्रता। इसके बारे में हमारे लिसनर्स को आप क्या कहेंगे कि आपके करियर में से आप कुछ गिने चुने इन्वेस्टमेंट मंत्र या कुछ यू नो इंटरेस्टिंग कहानियां शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? सिंपल डिसिप्लिन है। जब एक तूफान आता है तो क्या हम उस बोट से जंप लेकर बाहर कूद जाते हैं? अगर हमको तूफान दिखाई दे रहा है तो हम शांति से उस बोट में पक्का पकड़ के बैठ जाए, और बैठने के साथ ही साथ जब तूफान चले जाएगा अपने आप अपनी बोट आगे बढ़ेगी। उसी तरह से निवेशकों को जब भी कोई बड़ी वोलेटिलिटी आए, बहुत सुनते आ रहे हैं रिसेशन कुछ भी होए, शांति से अपने को बैठना है। रिसेशन आएगा, कुछ समय बाद में निकल जाएगा। मैंने 27 सालों से देखा है 500 परिवारों के 2000 लोगों को हम लोग आज भी हमारी सेवाएं देते हैं। कई निवेशक आते हैं रिटर्न्स देखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने से पहले, जब भी कभी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है वो इस मार्केट से डर के कारण निकल जाता है। डे बाय डे इस इंडस्ट्री को रेगुलेटर भारी मात्रा में निवेशकों के हित में काम कर रहा है, साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हर प्लेयर इस इंडस्ट्री के लिए बहुत मात्रा में काम कर रहे हैं। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि उस निवेशक को समझाए कि ये एक टर्बुलेंस छोटे समय के लिए, ये मार्केट में जो वोलेटिलिटी है छोटे समय के लिए, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो कुछ कारणवश नीचे आएगी, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर भी आएगी। निवेशक को अपनी गोल की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक बने रहना है। लेकिन दिक्कत ये होती है, निवेशक तेजी के समय एंट्री लेता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तब भय के कारण वो निकल जाता है। जो पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान आए, मैं उनको सबसे पहले मैसेज देना चाहता हूं, जो बच्चे पिछले ये कोविड के समय में फिनटेक के माध्यम से, बस क्रिप्टो करेंसी कह लीजिए, इक्विटी में बहुत तुरंत आज पैसा डाला और कल बन गया, सबसे पहले मैं उन निवेशकों को कहना चाहता हूं, आपको पैसे बचाने हैं, कमाने के साथ में बचाना है, सबसे पहले अपने खर्चों पे जो अनावश्यक है उन खर्चों पे कटौती करनी होगी, उसको म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से, डेट फंड में शॉर्ट टर्म के गोल है उस माध्यम से बचत करनी होगी, तभी वो अपनी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो ये थे महेश जी के विचार आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में, एंड दैट रियली वाज आवर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। थैंक यू महेश जी, आप पधारे हमारे शो पर, और हमारे श्रोताओं आई एम श्योर विल वॉक अवे विद अ लॉट ऑफ विजडम एंड इनसाइट्स फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। You're listening to MoneyWise, brought to you by IDFC Mutual Funds. Check out the rest of our series for more investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.